अपना मेरा घर बन रहा था, तो बड़ी देर 20 साल की बात है, तो बड़ी गर्मी थी दोपहर को, जुलाई का महीना था, और एक मजदूर बाकी भी काम कर रहे थे, एक मजदूर मैं देख रहा दूर से, तो वो उसकी कमीज पसीना पसीना हुई थी, बाकी रेस्ट करते थे, पानी पीते थे, वो मुसलसल काम करता गया। मैंने जब काम खत्म हुआ उसके बाद मैंने उसके पास आया, मैंने कहा देखो, उसको मैंने कोई पैसे दिए, मैंने कहा मैं बड़ा आज मुतासर हुआ हूं कि तुम्हारी जिस तरह तुमने काम किया। उसने मेरे पैसे पकड़ गए, उसने वापस कर दिया, कहता है जिसके लिए मैं मजदूरी कर रहा हूं उसके पैसे मुझे मिलते हैं, इसके लिए मैंने काम नहीं किया। अब हुआ क्या, उस आदमी था मजदूर, मेरे दिल में उसकी इज्जत किधर से किधर चली गई, क्योंकि जो एक इंसान में गैरत होती है ना, दुनिया उसकी इज्जत करती है। ये नहीं थी कि वो मजदूर था, वो अपनी इज्जत उसकी प्यारी थी कि मैं क्यों किसी से पैसे लूं। जापान के अंदर आप वेटर्स को टिप नहीं दे सकते, खुददार कौम है, और दुनिया में लेते हैं टिप, जापान में नहीं वो टिप लेते, वो कहते जी हमने तो जिसके लिए हमें पैसे मिल रहे हैं। मैं कहने का मेरा मकसद यह है कि हम ही अपने आप को जलील कर रहे हैं, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, क्योंकि हम मकरूज हैं, हमें गुलामी करनी पड़ेगी। ये एक जो अचकन सुलवा के बैठा हुआ है वो जब ऐसी बात करता है, मुझे बताओ कि कौम किधर रह जाती है। जब हमारा वो जो पहले 3 दफा वजीर आजम, वो जाके जब प्रेसिडेंट ओबामा के सामने पर्चियां लेके बैठ के बात करता है, तो सोचेगी कि कौम क्या समझती है, कि वो अपनी उसकी सेल्फ स्टीम किधर जाती है, उसकी इज्जत नफ्स किधर जाती है। तो देखें, हम उस लीडर के साथ हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हमें दुनिया की तारीख में कभी इस तरह का कोई लीडर नहीं आया, और मैं इसलिए अपनी कौम को, नौजवानों को सीरत नबी पढ़ाना चाहता हूं। ये रहमतुल आलमीन अथॉरिटी में सीरत नबी इसलिए कि उनसे बड़ा लीडर ही कोई नहीं आया था।